एक छज्जे का हिस्सा भी नीचे गिरा बड़ी तेज। लोग उस गली से भागे क्योंकि यहाँ का रास्ता ब्लॉक हो गया था। पूरा बम की तरह फट रहा था। आदमी तो सब्जी की दुकान लगाता है मैडम। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के कैलाशपुरी एक्सटेंशन गली नंबर 2 के बाहर मौजूद हूं। दरअसल हमें सूचना मिली कि कल देर रात यहां पर ये एक फैक्ट्री चल रही थी, केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें भीषण आग लगी, जिसकी वजह से सामने की ये जो इमारत आप देख रहे हैं, 4 मंजिला इमारत, ये भी बुरी तरह से जल गई। जो आग का गुबार था वो आसमान में देखने को मिल रहा था। अब आग लगने की वजह क्या थी और आखिर ये रिहायशी इलाके में फैक्ट्री किसकी परमिशन से चल रही है, तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कितने बजे लगी थी यार? 10:30 बजे करीब। कहाँ पर लगी थी सबसे? इस फैक्ट्री में। किस चीज़ की फैक्ट्री है? थीनर फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है। तो ये रिहायशी इलाके में कब से चल रही है? ये गुंडागर्दी से, दादागिरी से चलती है ये। इसको बोला है, पहले भी बोला है, 2 बार पहले भी आग लग चुकी है इसमें। अच्छा। पहले भी बोला है, अड़ोसी पड़ोसी लोगों ने पहले ही बोला है कि बंद करो। मैंने खुद बोला है, मेरा ये ऊपर का रहिए रहा जी। हमारी पूरी रात यहाँ पे सड़क पे बीती है बच्चों को लेकर के। कितने बजे लगी थी? 10:30 बजे करीब। 10:30 बजे सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे तक लगी रही? हाँ, सुबह 6 बजे तक आए। फायर गाड़ियाँ यहाँ पे थी, मौजूद थी, काम चल रहा। कितनी गाड़ियाँ? 12 गाड़ियाँ। सुबह 6 बजे तक चलता रहा इन्हें बचाने का काम? 12 गाड़ियाँ चलती रही। तो ये क्योंकि सामने वाले ये पूरे फ्लोर भी जले हुए नजर ना, इतना है ऊपर वाले का शुक्र है कि बस जान नहीं किसी की गई है, पर लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। सामने वाली बिल्डिंग में पूरे में आग पकड़ी गई है, आप देख ही रहे हो कितना नुकसान इसमें हुआ है। अभी ये सारे लोग कहाँ पर है? ऊपर ही हैं, उधर ही। वो उधर भी मीडिया वाले आ रखे ना, तो उधर ही हैं, ऊपर ही। कंप्लेंट दर्ज कराई गई इन लोगों के खिलाफ? अभी तक तो मैडम कुछ पता नहीं है कंप्लेंट का, लेकिन मैं तो कराऊंगी। मैं नहीं चाहती हूँ यहाँ पे, छोटी मोटी घरों में भी जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं या जो बड़ी और भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं यहाँ। हाँ, सब चल रही हैं यहाँ, धड़ल्ले से छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ घर में बहुत चल रही हैं। पर ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आप बता रहे थे ना। बहुत खतरनाक। और ये भी फैक्ट्री है, दोनों इसी की है। और इसमें भी मतलब मालिक कहाँ है? वो कह रहे हैं हॉस्पिटल में है, पता नहीं क्या है। मुझे वो जल गए हैं पता नहीं, वैसे ही हॉस्पिटल में, वैसे ही ड्रामा। अभी आग लगी, कौन कौन मौजूद थे इस फैक्ट्री में? एक पत्थर मेरा गिर गया था तूफान के टाइम पे जी। ये हमारी बिल्डिंग से एक पत्थर गिर गया था, तो ये 4 मंजिल ऊपर गया मुझे बोलने कि आपने पत्थर गिरा के मेरा छत तोड़ दिया। एक इतने से पत्थर से इसका छत टूट रहा था, और अभी इतनी बड़ी आग लग गई, इतने लोगों की जान पे आ गई। अब इसको नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है इसको। इसके पीछे भी जाओ, पता लगेगा। टंकी टुंकी सब, हाँ, बैक साइड में सब टंकियाँ वगैरह सब जली हुई है। रास्ता नहीं मिला लोगों को, फिर भी भागे हैं बेचारे। पता चले आग कैसे लगी है? अभी नहीं पता चला। आप लोग मौजूद थे यहाँ पर? सब थे, वो तो पीछे थे उस टाइम। हमारा पीछे कमरा है, एक फैक्ट्री से पीछे कमरा। आप लोगों ने देखा था जब आग लगी? पूरा बम की तरह फट रहा था। जिसे बम फटता कोई सेट नहीं, बम कर देता है उस तरीका से, ब्लास्ट कर रहा था कि लगता घर गिर जाएगा। अच्छा। कमरा में सो रहे थे तो डायरेक्ट आवाज आया कि लगता अब कोई गेट तोड़ रहा है क्या, कोई चोर आ गया इस तरीका से। तो फिर डायरेक्ट भागे सब, और क्या, सिलेंडर घर में ही रह गया था, फिर ले लेके जान बचा बचा के सारे जान बचाए हैं, पैसा मोबाइल सब उसी में है। ने आग पकड़ ली थी, ये बेल देखो, ये पूरा पेड़ से आग। हमारे तो ये डरता है, हमारे सारे किचन इसी साइड पे है। अच्छा। सिलेंडर लगे हुए हैं, और बड़ा हादसा होने की आशंका। पूरी रात ये था कि बस बाबा, उसमें देखो कितने आदमी रहते हैं पीछे। हाँ, इसके पीछे पूरा आग फैली हुई है। यहाँ तो बचाव के लिए लोग बाग पीछे की तरफ भाग रहे थे, गली भी बड़ी थी, लेकिन पीछे इतनी पतली गली है, आप पीछे भी जाके वहाँ से देख सकते हैं। आग लगी चालू कंडीशन में, एसी छोड़ के भग के अपने बच्चों की जान, क्योंकि जान बचानी, जैसे जा रहे थे तो धुएं से इनकी बच्ची थी वो बेहोश होगी, तो इनका 3 साल के बच्चे को लेकर, बच्ची को लेकर इनने जिस तरह से बाहर निकली है ये मेरे को तो पता नहीं, लेकिन बहुत संघर्ष किया। खाली करने को बोला है अभी आप लोगों को ये बिल्डिंग? अब तो क्या करें इस बिल्डिंग में, हमारे पास तो रहने के लिए कोई कुछ है ही नहीं, ना लाइट है इस पर, ना पानी है।
सब बंद कर दिया अभी। सब बंद कर दिया गया है। देखिए अभी मैं आपको अगर हालात दिखाऊं, अभी भी जो सामने है वो धुआं शांत नहीं हुआ है। जो सामने वाली बिल्डिंग जहां पर केमिकल फैक्ट्री चल रही थी, इनके अगर फ्लोर की मैं बात करूं, अगर तस्वीरें दिखाने की मैं कोशिश करूं, बुरी तरह से सब कुछ जल गया है। यहां पर मीटर भी आपको नजर आएगा, तो बुरी तरह से जो है ये सब कुछ जला हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूं एक बार, जो किचन का एरिया है वो भी मैं आपको दिखाती हूं किस तरह से जो नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं एक सवाल जो यहां पर देखने को मिल रहा है कि आखिर रिहायशी इलाके में फैक्ट्री किसकी परमिशन से चल रही थी, ये एक अहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है। क्योंकि लोग बता रहे कई सालों से ये फैक्ट्री चल रही थी, और ऐसा नहीं कि दो तीन सालों से चल रही है, बताया जा रहा है कि तकरीबन 40-50 साल से जो फैक्ट्री इस तरह से यहाँ पर चल रही है। जबकि आप जानते होंगे कि रिहायशी इलाके में इस तरह की कोई भी फैक्ट्री नहीं चलाई जा सकती, तो आखिर ये किसकी परमिशन से चल रही थी, ये एक अहम सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तस्वीरों के जरिए, आप देखिए कि आग कितनी ज़्यादा भीषण रही होगी। जो किचन की हालत है फिलहाल आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सब कुछ जलकर यहाँ पर खाक हो चुका है। देखिए जो भी कुछ हुआ उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगी कि कितना जो है नुकसान हुआ होगा यहाँ पर। यहाँ पर कम से भी कम 10 लाख का नुकसान है। 10 लाख का आपके फ्लोर में, और बाकी जो पूरे बाकी और फ्लोर का हमको पता नहीं, लेकिन 5-6 महीने पहले PVC करवाई, कम से कम 2-2.5 लाख की मेरे हस्बैंड अभी करवा के गए। और ये फ्रिज मैंने अभी लिया है, 20,000 का अभी लिया है। सब चीज़ आप देखो, चिमनी पूरी खराब हो चुकी है, गैस चूल्हा खराब हो चुका है, फ्रिज खराब हो चुका है, माइक्रोवेव खराब हो चुका है, RO खराब हो चुका है, मिक्सी खराब हो चुकी है, वॉशिंग का नुकसान मेरा लाखों का नुकसान हो चुका है मैडम। और जो मेरा टाइम खराब हुआ, मेरे बच्चों के स्कूल की पढ़ाई खराब हो रही, वो अलग चीज़ है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके हस्बैंड BSF में है, और इनके हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर है, ये अकेली यहाँ पे रहती हैं, तो उस कंडीशन में इन्हें कैसे ये स्ट्रगल करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ये लाइट जाने के बाद का नतीजा है, ये दिख रहा था। ये तो देखिए इस वक्त हम जो है टॉप फ्लोर पर आ गए हैं, और अगर मैं आपको यहाँ की भी तस्वीरें दिखाऊं, फिलहाल यहाँ पर सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और जो चीज़ें हैं वो तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप यहीं रहते हैं जी? मेरी चाची का घर है ये। कल रात को यहाँ पे अचानक ये आग पहले से ही लगी हुई थी, धीरे धीरे लगी हुई थी। ये लोग अपना सामान निकालने में लगे हुए थे, इन्होंने पहले अपने सामान की सेफ्टी देखी और धीरे धीरे ये आग बुझा रहे थे। इन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया। अब इनका कहना ये है कि यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसका कहना है? ये जिसकी फैक्ट्री है वो ये कह रहा है यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, और मीडिया वालों को मत बुलाओ। अच्छा, ये जो पूरा जला हुआ नजर आ रहा है, तो ये फिर क्या है, नुकसान नहीं हुआ? वो तो उसको पता होगा ना जो बोल रहा है। ये कह रहा है कि कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, कह रहा है कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, मेरे ऊपर कोई केस मत करो, कोई कुछ मत, वीडियो मत बनाओ। तो आप लोगों ने क्या फैसला लेने का सोचा? हमारा फैसला, हमारा जैसा मकान था हमें वैसा ही चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। हमारे बच्चे त्योहार पे कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे? हमारी बहू दूसरे हाल से है, हमारे घर में इतना भी नहीं है कप चाय भी बनाकर पी लें। बताइए त्योहार का टाइम बच्चों को कहाँ लेकर जाए? हमें पूरी सेफ्टी चाहिए, हमें जब तक हमारा इंतजाम नहीं हो, हमें किराए के लिए लेकर दे चाहे कहीं से भी दे, सारा इंतजाम वही करेगा, राशन पानी से हर चीज का इंतजाम वही करेगा। बातचीत हुई है कुछ उस फैक्ट्री के मालिक से? नहीं, कुछ आने को ही तैयार नहीं है, सामने ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा है। कोई नुकसान ही नहीं हुआ, पर वो एक बार आकर देख के। मैं रहती हूँ, मेरी तो बहू कैसे कैसे निकाली हमें पता है, पेंडेंट है वो है, बड़ी मुश्किल से निकाला, छोटा बच्चा भी था, पूरे में आग लग चुकी थी मेरे, एकदम से बढ़ गई आग, पूरे में आग लग गई है। आप देखो ना क्या हाल हो रहा है जी, है क्या करेंगे हम, कहाँ रहेंगे बताओ? जो फैक्ट्री के मालिक है उनने कोई कांटेक्ट किया आप लोगों से? लिया अभी कुछ ऑक्शन नहीं उठाया उन्होंने, वो तो कहते हैं जी कोई नुकसान भी नहीं हुआ। हाँ, वो तो लोगों से बता रहे कोई नुकसान नहीं हुआ, एक साल नहीं हुई मेरे को मकान नहीं हुए हुए, एक साल नहीं हुई, मैं कैसे रहूंगी अपने बच्चों को लेके, कैसे रहूंगी बताओ मुझे। मैं तो, मेरा आदमी तो सब्जी की दुकान लगाता है मैडम, मैंने कैसे कैसे जोड़ के बनाया है ये अपना मकान, आप बताओ। हुए मकान 3 साल से, मकान बना किराए पे रह रहे थे हमारे बच्चे, 3 साल से लिया है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी भरपाई चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं आपको एक बार इस कमरे की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगी, और जो आग थी वो कितनी ज़्यादा भीषण रही होगी ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सब कुछ जलकर यहाँ पर खाक हो चुका है, और सामने वाली फैक्ट्री में आग लगी थी, और उसके बाद आग जो है सामने तक पहुँच गई, और ये जो सामने वाली इमारत है उसमें फ़िलहाल हम मौजूद हैं। और जो 4 मंजिला इमारत है, पहली और 4थी मंजिल पर बहुत ज़्यादा आग लगी थी, और फिलहाल मैं 4थी मंजिल पर यहाँ पर मौजूद हूँ, और तस्वीरों के जरिए
आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अंदाजा लगाइए जो आग रही होगी कितनी ज्यादा भीषण रही होगी। सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हुए नजर आए, और अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। धुआं यहाँ पर अभी भी महसूस किया जा सकता है। सामने वाली फैक्ट्री जहाँ पर आग लगी थी वहां से भी अभी तक जो धुआं है वो निकलता हुआ देखा जा सकता है। ये फैक्ट्री का पीछे वाला हिस्सा, हाँ ये फैक्ट्री का पीछे वाला हिस्सा है। तो ये जैसा नजर आ रहा है बहुत ज्यादा पतली गली है, तो यहाँ पर आग पर काबू पाने में और ज्यादा परेशानी आई? बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशान हुई। यहाँ पर भी क्या नुकसान हुआ है जो साथ में, क्योंकि घर बहुत ज्यादा साथ में ही नजर आ रहे हैं? घरों में छोटे बच्चे थे माओ के, और काफी पीड़ित हुए क्योंकि यहाँ आग की लपटें बहुत आगे तक चली गई थी, अंदर तक। फिर उसके बाद एक छज्जे का हिस्सा भी नीचे गिरा बड़ी तेज। अच्छा। वो तो अच्छा हो कोई बच्चा नहीं उस तरफ थे, फिर लोग उस गली से भागे क्योंकि यहाँ का रास्ता ब्लॉक हो गया था। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की केमिकल फैक्ट्री चला रहे रिहायशी इलाके में? कोशिश करी पर इन्होंने पैसे यहाँ पे बहुत, यानी कि 15 साल से 25 साल से ज्यादा हो गए चलते हुए इस फैक्ट्री में। बता रहा है 50 साल? हाँ, मतलब हम तो जब से यहाँ पे आए तब से है। हाँ, शुरू से। और बहुत नुकसान हुआ, और ये हर बार ऐसा होता है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हुआ है, इस बार ज्यादा हो गया है। और काम चलता है, थिनर बनता है? हाँ, थिनर बनता है, और यहाँ पे वो केमिकल्स के डब्बे हैं बहुत बड़े बड़े, छत से आपको दिख जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग होती है? हाँ हाँ, देखा हमने ऊपर जाकर। हाँ, केमिकल्स के डब्बे, पहले तो डब्बे फटे, फिर एक सिलेंडर फटा, और वो इतनी तेज फटा, वो बहुत तेज फटा था सिलेंडर, जिससे पूरी आग लपेट गई, जिसमें वो मकान भी लपेट गया। अच्छा। हाँ, ये वाले मकान में भी आग लगी है? जो बिल्कुल उनमें भी लगी है। आपको दिखाती हूँ, ये जो फैक्ट्री है बिल्कुल इसके साथ में एक मकान नजर आएगा, और आप देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं है, बहुत ज्यादा पतली गली है, और इसी वजह से लोग बता रहे कि बहुत ज्यादा मुश्किल आई थी इस आग पर काबू पाने में। और ये भी बताया जा रहा है थोड़ा सा जो हिस्सा है इस छज्जे का वो भी गिरा था, हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी के ऊपर नहीं गिरा वो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हैरानी वाला मामला देखने को मिल रहा है कि एक रिहायशी इलाके में जहाँ पर आप देखिए गलियाँ किस तरह से संकरी गलियाँ हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसे अपने दोनों हाथ करूँगी तो शायद ये जगह भी कम पड़ जाएगी, और यहाँ पर जो है फैक्ट्री चल रही है केमिकल की, और तमाम केमिकल की चीज़ें मौजूद है जैसा कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। उन्होंने बहुत प्रेशर से, क्योंकि सीढ़ी का कोई साधन नहीं और चढ़ने का कोई रास्ता नहीं, इनके घर से भी ट्राई किया पर आग बहुत फैल चुकी थी तब तक, तो उनके पास बड़ा पाइप था, तो उन्होंने प्रेशर तेज करने को कहा, तो बहुत तेज प्रेशर तेज। किसी को कोई चोट तो नहीं आई? चोट, गंभीर चोट तो नहीं आई, लेकिन वहाँ वहाँ लोग तो जख्मी तो हो गए थे थोड़े। ठीक। हाँ, शुक्र मतलब ये गेट खुला नहीं था। अच्छा। अगर ये गेट खुला होता तो इतना मतलब पूरी गली को साफ थी, मतलब वो पूरी गली साफ थी, और गली में छोटे बच्चे बच्चे रहते हैं सब सभी घरों में, गली से तो निकल भी नहीं पाते, अगर ज्यादा आग फैल जाती यहाँ से निकले, यहाँ से धुआं हो रहा है, पूरा छज्जा, ये पूरा छज्जा गिरा यहाँ पे। खुला होता ऊपर वाले की हमारी किस्मत लगा लो, हमारे गली वालों की, जो क्या नाम, गेट नहीं खुला था मतलब, ताकि हमारे बच्चे हमारा परिवार मतलब पूरा सेफ हो गया मतलब। तो ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि रात को तकरीबन 10-10:30 बजे के आसपास ये आग लगी थी, और आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि इसे बुझाने में सुबह के 6 बज गए। तमाम जो स्थानीय निवासी हैं उनकी मदद से जो दमकल कर्मी थे उन लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि रात के तकरीबन 10-10:30 बजे की ये आग है, और सुबह 6 बज गए इस आग पर काबू पाने के लिए। जो नुकसान हुआ है वो यहाँ पर लाखों का हुआ है, हम एक फ्लोर में गए थे वही बता रहे हैं कि उनका तकरीबन 10 लाख का जो नुकसान है वो देखने को मिला। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी की जान का कोई नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिला, लेकिन सवाल वही है कि ये जो फैक्ट्री चल रही है रिहायशी इलाके में आखिर किसकी परमिशन से चल रही थी, और ये भी बताया जा रहा है इससे पहले भी यहाँ पर आग लग चुकी है, तो तब क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया, फैक्ट्री पर तब ताला क्यों नहीं लगाया गया, ये एक अहम सवाल है। ये भी बताया जा रहा है जो इसके पीछे वाली साइड है उस साइड भी जो भीषण आग है वो देखने को मिली थी, और वहाँ पर भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। अभी अगर मैं आपको बोलूँगी कैमरामैन से एक बार दिखाएं ऊपर, ये देखिए आप पूरी की पूरी जो 4 मंजिला इमारत थी वो किस तरह क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उसमें धुआं अभी भी देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं यही एक मेन सवाल है कि आखिर रिहायशी इलाके में केमिकल फैक्ट्री चलाने की परमिशन दी किसने, और ये इतने सालों से जो चल रही है क्या किसी को ये आज तक नजर नहीं आया, और नजर आया तो आखिर इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मैं चाहूंगी यहाँ पर जो भी आला अधिकारी है वो इसकी जांच करे, निष्पक्षता से जांच करे, और ये चीज देखने को मिले, सामने आए कि आखिर ये फैक्ट्री किसकी परमिशन से यहाँ पर चल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर दिवाली जैसे त्यौहार के टाइम पर यह हादसा हुआ, क्योंकि लोग यही शिकायत जता रहे हैं कि त्यौहार आने वाला है, दिवाली आने वाली है, और दिवाली के टाइम पे उनके जो घर है उनकी हालत कुछ ऐसी नजर आ रही है। पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।